शिवपुरी के युवा उद्यमी अब शिवपुरी में ही बनाए जा रहे हैं वायर केबल। यदि किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास होता है तो रोजगार भी उत्पन्न होता है और आर्थिक स्थिति संपन्न होती है। उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है, जिससे छोटे उद्यमी आगे आए और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। शिवपुरी जिले में भी कई युवा इस क्षेत्र में आगे आकर काम कर रहे हैं। शिवपुरी के सफल उद्यमी वरुण गुप्ता, जो गुप्ता वायर इंडस्ट्रीज का संचालन कर रहे हैं, जिससे जिले के युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही वायर केबल बनाने की यूनिट स्टार्ट की है। अर्थ शहरी औद्योगिक संस्थान गुना नाका में यूनिट स्थापित की है। अब शिवपुरी में ही इलेक्ट्रिकल वायर केबल आदि का उत्पादन हो रहा है। वरुण गुप्ता बताते हैं कि पहले वायर ट्रेंडिंग का काम करते थे, परंतु अब वायर केबल बनाने का काम अपने स्वयं की यूनिट में ही कर रहे हैं। इसमें उन्होंने 90 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। अभी कुछ माह पहले ही ये काम शुरू किया है। अभी काम शुरुआती स्तर पर है, कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यूनिट के लिए इंदौर और दिल्ली से कच्चा माल खरीद रहे हैं और शिवपुरी में उत्पाद तैयार करते हैं। उन्होंने आधुनिक मशीनें लगाई हैं। उनके यूनिट में तैयार उत्पाद को शिवपुरी गुना अशोकनगर में सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें उद्योग विभाग से भी लगातार सहयोग मिल रहा है। मेरा नाम वरुण गुप्ता है, मैं गुप्ता वायर इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर हूं और लगभग पिछले 30 साल से हम ये वायर और केबल के बिजनेस में हैं। हम उसकी ट्रेडिंग करते थे अभी, फिर अभी 2-3 महीने पहले हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू की है। तो उद्योग विभाग से उसका बहुत सहयोग रहा और अभी हम फुली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पीवीसी कंपाउंड से लेके आर्मर्ड केबल, सबमर्सिबल केबल, मल्टी स्ट्रैंड वायर और ये सब यहीं पर हम खुद बना रहे हैं शिवपुरी में।